to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. हर वक्त डू मोर का राग अलापने वाले ट्रंप पाक फौज की कामयाबी के मोतरफ, अमरीकी शहरी और अहले खाना की बाजियाबी पर तारीफ, पाक अमरीका ताल्लुकात में इसे मुस्बत लम्हा करार दे दिया। पाक फौज ने कुरम एजेंसी से 5 गैर मुल्कियों को बाजियाब कराया था। मुखबिरों को 2012 में अफगानिस्तान से अगवा किया गया था। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम किए। मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर अवामी तवक्कोआत के मुताबिक इकदामात जारी रहेंगे। आर्मी चीफ की आला सतह के अमरीकी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी वफ्द भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का मोतरफ। नाम ही नहीं है पनामा पेपर्स में साक्षात का, तो ये सियासी केस नहीं है। वज़ीर खजाना के खजानों की खोज लगाने के लिए 8 घंटे की तवील तरीन पेशी। इस्तगासा के 2 गवाहों के बयाना कलमबंद। ख्वाजा हारिस की गवाहान पर जरा। मुल्क का हिसाब किताब रखने वाले इसहाक डार 16 अक्टूबर को पेश होकर अपने असासों का मजीद हिसाब किताब देंगे। क्या सरमायाकारी में बेकायदगी पाई गई? क्या मुनाफा टैक्स काट कर दिया गया? क्या रकम की अदायगी बैंकों के जरिए की गयी? ख्वाजा हारिस के गवाहान से सवालात। अदायगी क्रॉस चेक के जरिए की गई। गवाह शाहिद अजीज का जवाब। ख्वाजा हारिस ने नैब की पेश करदा दस्तावेजात को फ्रॉड करार दे दिया। नेट टैक्सेस आर 87 बिलियन। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में उसमें जॉब निकलेंगी। 100 बंदे की जरूरत है, वहां हमने 500 बंदे रखे इस मुल्क में। इसहाक डार पर मुस्ताफी होने के लिए अपोजिशन का दबाव बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी वजीर खजाना के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गई। हमारे व्यू में पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार शुड स्टेप डाउन। क्या वजीर खजाना के जाने से मईशत में बेहतरी आएगी? मिलियन डॉलर सवाल। पनामा के भंवर में फंसी शरीफ खानदान की कश्ती को एक और तूफान का सामना। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पर कल एहतसाब अदालत में फर्द जुर्म आयद होगी। मरियम नवाज पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। क्या नवाज शरीफ पेश होंगे? किसी को कुछ पता नहीं। नवाज शरीफ के साहबजादों के गिर्द भी नैब का घेरा तंग। हसन और हुसैन नवाज को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत के नोटिस बोर्ड पर इश्तेहार चस्पा। मुलजमान को 30 दिन में अदम पेशी पर इश्तेहारी करार दे दिया जाएगा। मियां साहब अब तक ये पूछ रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला। शक था तो वो क्यों निकले? आसिफ जरदारी का सवाल। कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने मुल्क को कंगाल कर दिया। इमरान खान पर भी तनकीद की। कहा कि कप्तान के नजदीक सबसे अच्छा इंसान परवेज खट्टक है। कप्तान साहब जो है वो अपनी मगन में मस्त हैं। उनकी नज़र में सबसे अच्छा बंदा जो है वो खट्टक साहब हैं पूरे प्रोविंस में के। से किसी किस्म की माजाराई नहीं होनी चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये इदारों के लिए ठीक नहीं है। इदारों से माजाराई किसी के हक में नहीं। इंसाफ अदालत से ही मिलना है। एक अदालत से ना मिला तो दूसरी में जाएं। चौधरी निसार का नवाज शरीफ को मशवरा। बोले पार्टी में कोई धड़ेबंदी है ना ही कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। को साफ करने में अगर अपना वक्त इस्तेमाल करेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस पे सबको इत्तेफाक है, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं। सादिक वजीर दाखला एक बार फिर वजीर खारिजा पर बरस पड़े।
कहा कि अस्करी ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक बयानात से पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक का बयानिया मजबूत होता है। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरिका ऑपरेशन की तजवीज पर सख्त रद्द अमल। कहा कि ऐसा इश्तराक नागुजीर है तो फिर पाक फौज को अफगानिस्तान में कार्रवाई का इख्तियार मिलना चाहिए। तौहीन अदालत केस कप्तान के गले की हड्डी बन गया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को सरबरा पीटीआई को गिरफ्तार करके 26 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ये गैर कानूनी भी है और गैर आईनी भी है, इसलिए हम इन ऑर्डर्स को उसी फुल बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान नाहली केस में हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। इमरान खान की दस्तावेजात बेबुनियाद हैं, मुस्तरद किया जाए, दरखास्त में इस्तदा। कहते हैं कि तमाम डाकू और चोर इमरान खान के गिर्द जमा हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द देखें, सारे जितने डाकू और चोर थे वो सारे इसके इर्द गिर्द हैं। क्यों? कि इमरान खान को पैसों की जरूरत। खत्म नबूवत के हल्फनामे में तरमीम के मामले पर सियासत न चमकाई जाए, तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार करें। वजीर आला पंजाब का मुखालफीन को मशवरा, बोले पीटीआई ने ऑरेंज ट्रेन की पिच उखाड़ दी, कहा गया ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अपने पेशावर के अजीम गयूर आवाम को, अपने पठान भाई और बहनों को कि अगर वहां पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो पेशावर में भी 11 महीने में मेट्रो बनता और रोड बनता। शीशे की बिल्डिंग में बैठकर एहतसाब नहीं होगा, एहतसाब सबके लिए के नारे को अमली जामा पहनाना होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड का अफसरान से खिताब, कहा कि आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक रेफरेंस भेजे जाएं। डीज मुआहदे रजिस्टर्ड नहीं, मुआहदों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, बदनीयती पहले से साबित है। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाहली केस में अकरम शेख के दलाइल, बेईमानी तब कहलाएगी जब किसी फोरम का फैसला आएगा। जहांगीर तरीन के वकील का जवाब, समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। बारह अक्टूबर 1999 को फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखिब हुकूमत की बसात लपेट दी। 18 साल पहले आज ही के दिन अवाम के मुंतखिब वजीर आजम को जेल भेजा गया, इसम्बलियां खत्म और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई। अख्तर कॉलोनी कराची में अवाम ने खवातीन पर चाकू से हमला करने वाले मुबैना मुलजिम को धर लिया, इलाका मकीनों ने मुलजिम की दुर्गत बना दी। पुलिस ने साहिवाल से लापता मुलजिम वसीम के करीबी साथी को हिरासत में ले लिया। वसीम ही कराची में कार्रवाइयां कर रहा है, पुलिस को शुबा। रहीम यार खान में इंसानियत सोज वाकया, 3 मुलजिमों का लड़की से अगवा करके रेप। मुलजिमों ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन रेप की दफात शामिल नहीं की। मुतासिरा लड़की का इल्जाम। फारूक सत्तार और आमिर खान का बानी एमक्यूएम के साथ साथ 22 अगस्त के इकदाम से भी इजहार लातालुकी, तकरीर के दौरान दिमाग माउफ था, तकरीर खत्म होने की दुआ मांग रहे थे, हमारा बानी से कोई राब्ता नहीं हुआ। आमिर खान और फारूक सत्तार के पुलिस को जवाब। पंद्रह माह गुजर गए, कंदील बलोच को इंसाफ कब मिलेगा? तफ्तीशी इदारे कातिल तक पहुंचने में नाकाम। मुल्तान की मकामी अदालत ने नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट से मुतालिक इल्म नहीं, कंदील कत्ल केस में हमेशा पुलिस के साथ तआवुन किया, अब भी तैयार हूँ, मुफ्ती अब्दुल कवी का मौकिफ। पंजाब फूड अथॉरिटी का वनस्पति घी की तैयारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला, 2020 तक अमल दरामद होगा। 3 साल घी बनाने वाले कारखाने कुकिंग ऑयल बनाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाक फौज की बड़ी कार्रवाई की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ की। हर वक्त डूम और का राग अलापने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक फौज की कामयाबी पर खुश हो गए हैं।
और अमरीकी शहरी और अहल खाना की बाजियाबी पर पाकिस्तान की तारीफ भी की है। साथ ही साथ उन्होंने इस कामयाबी को पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत लम्हा करार दे दिया। पाक फौज ने कुरम एजेंसी से 5 गैर मुल्कियों को बाजियाब कराया था। इन मगवियों को 2012 में अफगानिस्तान से अगवा किया गया था, लेकिन पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस इदारों से भरपूर तआवुन किया और उसकी तारीफ की गई है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वही डोनाल्ड ट्रंप जो हर वक्त पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करते रहते हैं, राह गलापते रहते हैं, अब उन्होंने ही पाक फौज की कामयाबी पर खूब खुशी का इजहार किया है और खूब तारीफ की है। To deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. कुरम एजेंसी में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन के 22 5 गैर मुल्कियों की बाजियाबी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच ही बदल दी। Pakistan often gives safe haven to agents of chaos, violence and terror. और वो अमरीकी सदर जो पाकिस्तान पर तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। पाकिस्तान has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. अब पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि ये लम्हा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए बड़ा मुसबत है। ये एक इशारा है कि पाकिस्तान खित्ते के तहफ्फुज के लिए अमेरिका की डू मोर की ख्वाहिश पर अमल कर रहा है। आईएसपीआर के मुताबिक अफगानिस्तान से अगवा किए गए 5 अफराद पाक अमरीका इंटेलिजेंस शेयरिंग के 22 बाजियाब कराए गए। इन अफराद में अमरीकी शहरी कैटलान कोलमैन, उसका कैनेडियन निजात शौहर जोशी अबॉयल और 3 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें अक्टूबर 2012 में अफगानिस्तान से अगवा किया गया। We can no longer be silent about Pakistan. ट्रंप ने अपने गुज़िश्ता बयानात और खुसूसन अगस्त में की गई नई पॉलिसी के हवाले से खिताब में पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद की थी और पाकिस्तान पर अरबों डॉलर वसूली के बावजूद दहशत गर्दी की पुष्पनाही का इल्जाम लगाया था। We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting. जिसके बाद पाकिस्तान में भी शदीद रद्देअमल आया और दोनों ममालिक के तालुकात में शदीद तनाव पैदा हुआ। ट्रंप का हालिया मजबूत बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान के दौरे पर आए आला सतह के अमरीकी वफ की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क्यादत से मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल दुनिया की 5 बड़ी ताकतों पर वाज़े किया है कि कश्मीर की कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय जारहाना रवैये ने खित्ते को स्ट्रेटेजिक गलतफहमी के खदशे से दोचार कर दिया है। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, आलमी ताकतों के सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग, अमरीका, रूस, फ्रांस, बरतानिया, चीन के ये तमाम लोग शामिल थे, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वाकये की? जी हाँ, आज शाम दफ्तर खारजा में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन, इन 5 ममालिक के जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स हैं और वीटो पावर्स हैं इनके पास, इन सफीरों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी और जिसका ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारत की तरफ से मसलसल जारियत और गोलाबारी से था। सेक्रेटरी खारजा ने वादे किया कि भारत की जाराना कार्रवाइयों और जालमा मकबूजा कश्मीर में जालमाना रवैये से कश्मीरियों के हकूक की सख्त इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि खित्ते की सलामती को भारत की जाराना रवैये। बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद गुफ्तगू भी करते रहेंगे। एक और अहम खबर है कि जनूबी एशिया से मुतालिक नई अमरीकी पॉलिसी के तनाजुर में बाज़ाबता पाक अमरीका मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ ने अमरीकी वक्त को पाकिस्तान की तशवीश से भी आगाह किया है। जनरल कमर बाजवा ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदामात किए। मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर अवामी तवक्कोआत के मुताबिक इकदामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अमरीकी नुमाइंदा लीजा कर्ट्स की क्यादत में अमरीकी वफ्द ने इस्लामाबाद में पहले दफ्तर खारजा का दौरा किया और वहाँ सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुज़ाकरात किए।
अमरीकी वफद को अफगान सरहद के पार से पाकिस्तान में होने वाले मुसलसल हमलों और पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक बनाने के इकदाम अमरीकी वफद को बताए गए। तहमीना जंजुआ का कहना था कि पाकिस्तान अफगान मसले के पुरअमन हल इलाकाई और दो तरफा कोशिशों का हिस्सा रहेगा। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफद की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी हुई। उन्होंने जनूबी एशिया से मुतालिक अमरीकी हिकमत अमली के खदोकाल से आर्मी चीफ को आगाह किया। आर्मी चीफ ने खत्ते में अदम इस्तेकाम से मुतालिक पाकिस्तान की तशवीश से अमरीकी वफद को आगाह किया। उन्होंने बताया कि मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदामात किए हैं। अमरीकी वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इकदामात और पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान के खजाने को 4 साल तक संभालने वाले इसहाक डार के अपने असासे उनके गले का फंदा बनते नजर आ रहे हैं। आमदन से जायद असासों के केस में वजीर खजाना 8 घंटे तक एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां नैब की जानिब से पेश गवाहों ने बयानात रिकॉर्ड कराए। इस कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। वजीर खजाना के खजाने की खोज में तवील तरीन पेशी। इसहाक डार मुसलसल 8 घंटे तक एहतसाब अदालत में रहे। केस की समाअत का आगाज हुआ तो इस्तगासा के दो गवाहन निजी बैंक के अफसर तारिक जावेद और कौमी सरमायाकारी ट्रस्ट के शाहिद अजीज ने पेश होकर बयान कलमबंद कराए। तारिक जावेद ने इसहाक डार की अहलिया तबस्सुम डार, हजवेरी मदारबा और हजवेरी होल्डिंग समेत दीगर अकाउंट्स की तफसीलात पेश की और अदालत को बताया कि इसहाक डार और बच्चों के नाम पर कोई अकाउंट नहीं था। हजवेरी के अकाउंट्स को अब्दुल रशीद नईम महबूब और नदीम बेग नामी अफराद ऑपरेट करते थे। इसहाक डार के वकील ख्वाजा हारिस ने गवाह की दस्तावेजात पर एतराज उठाया कि बैंक अकाउंट्स की इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं होती। मुकदमे के दूसरे गवाह कौमी सरमायाकारी ट्रस्ट के अफसर शाहिद अजीज ने अदालत को बताया कि इसहाक डार ने अगस्त 2015 में 12 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, जनवरी 2017 में 3.5 करोड़ मुनाफे के साथ कुल 15.5 करोड़ रुपए वापस किए। शाहिद अजीज ने रकम की अदायगी का सबूत भी अदालत में पेश किए। इसहाक डार के वकील ने दूसरे गवाह पर भी एतराज उठाया कि असल दस्तावेज और अदालत में पेश नकुल में फर्क है, जिस पर जज ने उनके एतराजात को दुरुस्त करार देते हुए रिमार्क्स दिए कि कागजात पर पहले लाहौर, फिर इस्लामाबाद और फिर उसे भी काट कर लाहौर लिखा गया। दोनों गवाहों पर जराह मुकम्मल होने तक अदालत ने इस्तगाजा के एक और गवाह को तलब करते हुए समाज 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के लिए अपने ख़जाने का जवाब देना तो मुश्किल हो ही रहा है, लेकिन एक और मुश्किल ये आन पड़ी है कि अब सियासी जमातें उनके इस्तीफे के मुतालिबे पर डट गई हैं। The net taxes are 87 billion. Prime Minister Youth Program में उसमें जॉब्स निकलेंगी। 100 बंदे की जरूरत है, वहाँ हमने 500 बंदे रखे इस मुल्क में। वजीर खजाना इसहाक डार की अना ने मुल्की मईशत की डोलती कश्ती को भंवर में लाकर छोड़ दिया है। में GDP की शरह 6% का इजाफा रखा गया है, टारगेट 1001 बिलियन की एलोकेशन है। मुल्की खजाने के निगरान अपने खजाने की सफाइयां देते फिर रहे हैं। ऐसे में ओपोजिशन और इक्तिसादी माहिरीन समेत मुल्की दिफा की जिम्मेदार फौज मुल्क के बिगड़ते मुआशी हालात पर तशवीश का शिकार है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार शुड स्टेप डाउन। हमारे व्यू में पाकिस्तान कोलैप्स कर चुका है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फाइनेंशियल इमरजेंसी का उन्हें डिमांड की है। इसहाक डार पाकिस्तान के इकोनॉमिक हिटमैन निकले, इनको तो वैसे भी अब जो टैप की रेफरेंस आ गई है, इनको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। यस, वी अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इस वक्त अगर बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं है। ओपोजिशन तो वजीर खजाना इसहाक डार के इस्तीफे के मुतालबे पर डट गई है, लेकिन क्या वजीर खजाना के जाने से मुल्की मईशत में कोई बेहतरी आएगी? क्या 4 साल लावारिस रहने वाली वजारत खारजा की तरह अब वजारत खजाना लावारिस होने वाली है? वजीर खजाना इसहाक डार को ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं, इस पर शहरी कहते हैं मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने में उनका बड़ा हाथ है। मुकदमात में नामजद वुजरा को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खजाना की पॉलिसियां थी जिस पे उन्होंने अमल दरामद करके सारे मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया। इतने इसहाक डार को स्टेप डाउन करना चाहिए। हकीकी आइन को देखा जाए
और इन्हें सजा होनी चाहिए। अगर वो गिल्टी होते हैं और वो कसूरवार ठहरते हैं तो उनको डेफिनेटली सजा होनी चाहिए। इन्हें इस्तीफा दे के और अपनी क्लियरनेस करानी चाहिए कोर्ट से। वजीर खजाना भी उस कानून का सामना उसको करना पड़ेगा। वजीर खजाना पे ही ये इल्जाम हैं तो कोई किस तरह से एतमाद करके आ सकते हैं। वजीर खजाना ये केस साबित हो जाए तो ये बिल्कुल इस्तीफा दे और यहाँ से जाइए। और अब आपको खबर दें कि साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम सफदर अपने खिलाफ एहतसाब मुकदमा की दूसरी पेशी भुगतने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। एहतसाब अदालत ने कल नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ तीन मुकदमात में फर्द जुर्म आयद करने की कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर रखा है। इसी बारे में इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पनामा मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब ने तीन मुकदमात इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर रखे हैं। लंदन के चार फ्लैट्स, दुबई की दो स्टील मिल्स और दीगर ममालिक में 15 कंपनियां कायम करने के। इन मुकदमात में नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन को इश्तिहारी मुलजिम करार देने का अमल शुरू हो चुका है। अदालत ने ये हुक्म उनकी गैर हाजिरी पर जारी किया था। तीनों मुकदमात के बाकी तीन मुलजिम नवाज शरीफ, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर ट्रायल कोर्ट से जमानत होने पर रिहा हैं। अदालती हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ के दोनों बेटों को इश्तिहारी करार देकर उनका मामला अलग किया जा चुका है। 13 अक्टूबर की नई समाअत में नवाज शरीफ के खिलाफ तीन मुकदमात में और उनकी बेटी और दामाद के खिलाफ एक मुकदमे में फर्द जुर्म आयद होनी है। इस कानूनी अमल का सामना करने के लिए मरियम सफदर इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, जबकि उनके शोहर पहले ही यहां मुकीम हैं। और अब बात करते हैं साबिक वजीर दाखला चौधरी निसार की, जिन्होंने पार्टी क्यादत को अदलिया से महाजाराई न करने का मशवरा दे दिया है। कहा महाजाराई नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग, नून या मुल्क किसी के लिए भी ठीक नहीं। आज नहीं तो एक साल बाद सही, इंसाफ अदलिया से ही मिलेगा। इदारों के खिलाफ बोलना पार्टी पॉलिसी नहीं। वजीर आजम और वजीर आला नोटिस लें। अदालत से किसी किस्म की महाजाराई नहीं होनी चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी ठीक नहीं है, ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, ये इदारों के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में जमहूरियत भी है और रूल ऑफ लॉ भी है, और ये केस और बाकी केसेस का भी फैसला अदालतों में हो। फिर एक अदालत में हम समझते हैं कि हमसे इंसाफ नहीं हुआ, फिर दूसरी अदालत में जाना चाहिए, दूसरी अदालत में नहीं तो तीसरी अदालत में। फैसला अदालत में ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने लीगी वुजरा को मशवरा भी दिया। चौधरी निसार कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को अमेरिका को पाकिस्तानी जमीन पर कार्रवाई करने देने की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये बात नहीं कही गई तो तर्दीद करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वुजरा घर साफ करने की बात ना करें बल्कि सफाई करें। है अपना घर साफ करें, किसी ने रोका और सब मुतफिक हैं। सो ये ऐसा इशू ही नहीं है जिस पे बार बार बयानबाजी की जाए। वजीर आजम से लेकर उनके वुजरा, वो बयानबाजी के बजाय घर को साफ करने में अगर अपना वक्त इस्तेमाल करेंगे तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस पे सबको इत्तेफाक है, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं। और लगता ऐसा है कि अब इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। इमरान खान इससे कबल इलेक्शन कमीशन के वारंट जारी करने के इख्तियार को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को गिरफ्तार करके 26 अक्टूबर को पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन को जारी शो कॉज नोटिस पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। पीटीआई के चेयरमैन आज भी इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश न हुए, जिस पर उनके नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन इससे कबल भी चेयरमैन पीटीआई के काबिले जमानत वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन इमरान खान ने इन वारंट को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर अदालत ने उनके जमानत वारंट गिरफ्तारी को मौतल कर दिया था। इमरान खान ने गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर तासुब का इल्जाम लगाया था, जिस पर अकबर एस बाबर ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान के हक और मुखालिफत में बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान ने इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद की और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ मुतासिबाना और गैर आइनी फैसला किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना था कि इमरान खान और उनका टोला पाकिस्तान में अनार्की फैलाना चाहता है, किसी भी तरह इकतदार में आना चाहते हैं। हनीफ अब्बासी बोले कि इमरान खान को आज दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के जिस अंदाज में तजीह की है, इससे ये साफ जाहिर होता है इमरान खान इसका ये जो टोला है जो किसी न किसी तरीके से इकतदार में आने के चक्कर में है, वो पाकिस्तान में एनार्की और कैओस फैलाने के चक्कर में है।
इलेक्शन कमीशन के निशाने पे सिर्फ एक सियासी जमात है, इलेक्शन कमीशन के निशाने पे सिर्फ एक सियासी लीडर है, इमरान खान। जो आज के ऑर्डर्स हैं ये गैर कानूनी भी हैं और गैर आईनी भी हैं। हम इन ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान अगर इतने सच्चे होते तो दलेरी के साथ खड़ा होता, इलेक्शन कमीशन में खड़ा होता, दहशतगर्दी की अदालत में खड़ा होता, सुप्रीम कोर्ट में खुद आता। नहीं आ रहे, वो इश्तियारी भी है, वारंट उसकी आप इलेक्शन कमीशन से भी निकल चुके हैं, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इमरान खान के लिए बेहतर है कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएं और बताएं कि वो इदारों का एहतराम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुलिस अहलकार उन्हें पकड़कर इलेक्शन कमीशन के सामने ला खड़ा करे। बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम दावे जरूर करें और अदालतों का एहतराम, हमें जाना चाहिए, मूव करना चाहिए। अब भी मैं इमरान से कहूँगा कि खुद चले जाए, आज ही चले जाए, खड़े हो जाए कि मैं आ गया हूँ, कल कोई उसको सिपाही या कोई पकड़ के या शो करके दिखाए, और या बाहर इलेक्शन कमीशन के आए और कहे कि पुलिस कहे कि हम आपको, हमारा फ़र्ज बनता है हम आपको पकड़ के लेके जाए। इससे बेहतर है कि उसको आज ही जाना चाहिए कि भैया मैं आ गया हूँ, मुझे एहतराम है, इज्जत है अदालतों के लिए। और अब हम कुछ बात करेंगे वज़ीरे आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जिन्होंने मुल्तान में स्पीडो बस की इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब किया और पीटीआई पर खूब गरजे। बोले कि धरने वाले गुज़िश्ता 4 साल के दौरान केपीके के आवाम को कोई तरक्याती प्रोग्राम नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा के लोग कोसते होंगे कि उन्होंने वोट क्यों दिया। ऑरेंज ट्रेन की पिच उखाड़ दी गई, कहा गया न खेडेंगे न खेडन दवांगे। इन्होंने लाहौर मेट्रो की बदतरीन मुखालफत की, फिर खुद ही 2014 में ऐलान कर दिया कि हम पेशावर में जनाब मेट्रो बनाएंगे। मैं कतन इसे ये नहीं कह रहा कि इन्होंने थूक कर चाटा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह ये रहा हूं कि पेशावर में अपने पेशावर के अजीम गयूर आवाम को कि अगर वहां पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो पेशावर में भी 11 महीने में मेट्रो बनता और रोड बनता। तब्दीली का नारा लगाया, नए पाकिस्तान की बात की, और केपीके के लोग आज उस दिन को कोसते होंगे कि हमने इसको